आप लोगों से झूठ बोला जाता है कि जनाब हाउसिंग शॉर्टेज है। आज DHA लाहौर के अंदर कितना प्लॉट खाली पड़ा आपको अंदाज़ा है? तकरीबन अगर फेज 9 प्रिज्म को भी डालने और चीज़ों को डालने, 1,00,000 के करीब प्लॉट खाली पड़ा है। और 1,00,000 घर नहीं बने आज तक DHA में 40 सालों में। आई डोंट थिंक सो। फेज 1-5 को भी आप निकाल लें, इनके प्लॉट निकालें, आई डोंट थिंक सो 1,00,000 घर होंगे, ठीक है, इन 40 ईयर्स। अब आप कहेंगे पाकिस्तान की पॉपुलेशन तो बहुत इंक्रीज कर रही है, राइट, बट वाई नॉट, वाई इज़ दिस नॉट हैपनिंग? उसका रीज़न ये है, ये स्टेटा है, ये पंजाब गवर्नमेंट ने पब्लिश किया हुआ है, ठीक है जी, बैक इन, अभी पुराना डाटा 2015-16 का डाटा, बट टू जस्ट अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद इन्होंने पब्लिश ही नहीं की कोई रिपोर्ट, बट जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग, द प्रॉब्लम इज कि रियल स्टेट की जितनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, रियल स्टेट की जो रिटेंशन है वो हाई इनकम, उन्होंने 6 ग्रुप्स में तकसीम किया है पाकिस्तान की पॉपुलेशन को, इन वेरी लो इनकम, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, आपके ऑफिस बॉयज़ हो गए या इससे भी गरीब लोग हो गए, ठीक है जी, लो इनकम, मिडल इनकम, मॉडरेट इनकम, हाई इनकम, वेरी हाई इनकम, और ये रेंटल की वैल्यूज़ निकालनी है। उन्होंने देखा कि जी कि रेंटल के लिए किस किस के पास, खरीदारी की बात तो बात की है ना, पहले रेंटल पर देख लें कि रेंटल पर किसके पास क्या अवेलेबिलिटी है। सो यू सी, वेरी हाई इनकम इज एक्चुअली ओनली 0.3% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, राइट, जो 2,40,000 या इससे ऊपर के पैसे कमाते हैं। अब बैक इन 2015-16 की स्टडी है, तो ऑब्वियसली अब स्टैटिस्टिक्स थोड़े से चेंज हो गए, बट वी डोंट हैव एनी अदर स्टडी, सो वी आर गोना जस्ट यूज इट एज अ हम सो। और उनके पास 9% अवेलेबिलिटी, 9% ऑफ द रियल स्टेट के ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं, सो दे आर वेरी स्मॉल ग्रुप, बट इसका मतलब डिस्पैरिटी है ना। सो सिमिलर डिस्पैरिटी एग्जिस्ट इन सेल एंड परचेज, बिकॉज जो चीजें डेवलप हो रही हैं वो भी इसी डिस्पैरिटी पे हो रही है, वो भी आगे मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हाई इनकम ग्रुप 1%, ठीक है जनाब, एंड दे हैव 10% ऑफ रियल स्टेट उनको अवेलेबल है फॉर रेंटल पर्पजेस, जिसके अंदर वो या जिस ग्रुप में वो रहते हैं, वो DHA हो गया, ये वेरी हाई इनकम में आ गया, लेट्स सपोज, सो वी हैव एक्सेस प्लॉट्स एंड चीजें अवेलेबल, अपने एक्सेस है, ओवर है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास मॉडरेट इनकम ग्रुप में अब थोड़ा थोड़ा कम होता है, मॉडरेट इनकम ग्रुप है जो मिडिल क्लास को आप कह देते हैं, मिडिल क्लास, मिडिल इनकम ग्रुप आ गया 4.1%, एंड दे हैव 14% अवेलेबल। मिडिल इनकम ग्रुप जो है 16.9% है, एंड दे हैव 27% अवेलेबल, इवन दे हैव मोर। मिडिल इनकम, ये जो कैपिटल स्मार्ट सिटी, ये सारे ये मिडिल इनकम ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है जी, ये जो 15,00,000, 20,00,000, 25,00,000 के प्लॉट्स ऑफ फाइल्स है, यहां पर आके शॉर्टेज शुरू हो जाती है। दिस इज वेयर एक्चुअल शॉर्टेज एग्जिस्ट, लो इनकम एंड वेरी लो इनकम, राइट। सो लो इनकम इज 37.9%, एंड देन दे हैव ओनली 35% ऑफ रियल स्टेट, रेंटल रियल स्टेट जो उनके पास अवेलेबल है। सो ऑलमोस्ट बैलेंस आउट है, इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है लो इनकम के पास, राइट। बट दिस इज वेयर द 40% ऑफ एक्चुअल हाउसिंग शॉर्टेज इज, दैट 40% ऑफ द वेरी लो इनकम क्लास हैव ओनली 5% ऑफ द रियल स्टेट जो उनके लिए बन रही है या उनके लिए है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, वाइल देर इज अ हाउसिंग शॉर्टेज, इट इज द हाउसिंग शॉर्टेज इज एक्चुअली इन दिस इनकम ग्रुप फॉर दिस 40% ऑफ द पीपल, नॉट फॉर दिस, दीज आर ऑल इन सरप्लस, स्पेशली फ्रॉम हेयर टू हेयर दे आर ऑल इन सरप्लस रियल स्टेट, एंड व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन द सप्लाई इज मोर एंड डिमांड इज लेस, राइट, और इट बिकम्स पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट साइकिल एंड स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, बिकॉज सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो क्या होगा कि प्राइसेस जो हैं वो नीचे आएंगी। अब बीच में एमनेस्टी आएगी, इन्वेस्टमेंट होगी, एक्चुअल डिमांड नहीं है, एंड यूजर डिमांड कम है, दैट्स द इश्यू यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड यूजर डिमांड इस सेगमेंट में कम है। इस सेगमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, यस, रियल स्टेट कैन गिव यू लॉट ऑफ गेन्स एक्चुअली, बट हाउ मैनी पीपल नो कि जनाब कौन सी सोसाइटियाँ जो वेरी लो इनकम ग्रुप को टारगेट कर रही हैं, वेरी लो इनकम ग्रुप कौन सा है, यही 20-25-30,000-40,000 कमाने वाले लोग, राइट, कौन सी सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर 10,000 का मंथली पेमेंट प्लान होगा, कोई एक दो कुछ होंगी ऐसी, राइट, वेरी फ्यू, अच्छा उसके भी इन्होंने स्टैट्स दिए हुए, सो आई विल शो यू अनदर स्टैट। उन्होंने कहा जी कि हमने फिर फाइंड आउट किया कि सोसाइटीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एवरेज प्लॉट साइज क्या है। सो जब उन्होंने एवरेज प्लॉट साइज मेयर किया तो लेस देन 3 मरलाज है 5% सिर्फ सोसाइटीज़ के अंदर, लेस देन
थ्री मरला टू फाइव मरला 11.3%, फाइव मरला टू सेवन मरला 23.2%, सेवन मरला टू लेस देन टेन मरला 25%, टेन मरला वन केनाल 25.2%, वन केनाल 9.3%, 0.5% अदर्स, एंड द वेटेड एवरेज इज 10.9, ये लिखी हुई है. टेन मरला इज नॉट इज फॉर द मिडिल क्लास. टेन मरला किसके लिए? मिडिल क्लास ही है ना. सो अगेन दिस इज अ डिस्पैरिटी. दिस शुड हैव बीन मोर. सो जो सोसाइटीज हमारी हैं वो इस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रही कि हमारी नीड ये है. उसकी रीजन क्या है? व्हाई सोसाइटी इज नॉट फोकसिंग ऑन दैट? कैन समवन टेल मी? अगर नीड एक है, पता है, वी हैव कम टू नो दैट दिस इज द नीड, बट सोसाइटीज आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट. बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि इस बेचारे ग्रुप के पास पैसे ही नहीं है कि वो बाय कर सके. सो सोसाइटीज आर अ बिजनेसेस. डेवलपर्स एक बिजनेस रन करना चाह रहे हैं. सो दिस पर्सन डज नॉट हैव द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कि वो बाय करे. इसलिए एज अ प्राइवेट बिजनेसमैन, एज अ ऑनर, माई इंटरेस्ट इज नॉट हेयर. ठीक है, हम खुद हम बैठे हुए, वी अनफॉर्चुनेटली टेक प्राइड इन बींग वन ऑफ द लग्जूरियस कंसल्टेंट्स हु जस्ट डील इन हाई एंड प्रॉपर्टीज, राइट? वी डोंट डील विद दीज पीपल आवरसेल्व्स. बट दैट्स द ट्रूथ ऑफ बिजनेस. कैपिटलिस्ट निज़ाम जो है वो इसी पे चलता है. यू कैन नॉट गो अराउंड बिकॉज आई वॉन्ट टू डू सोशल वर्क सो आई वॉन्ट टू डू दैट, बिकॉज द मनी इज विद दोज पीपल दैट जिनके लिए आप 9.3% बना रहे. वही 9%, वही उधर भी आपको 9% का डेप्ट आ रहा था ना सर, किनाल वाले, उधर भी तकरीबन 0.3% और 9% था. सो दैट्स एग्जैक्टली दैट्स द सेगमेंट जो ऊपर, अगर आपको जो हाई एंड इनकम सेगमेंट नजर आ रहा था वो ये सेगमेंट नजर आ रहा था. ठीक है, दीज आर एक्चुअल स्टैट्स विच आर पब्लिश बाय पंजाब गवर्नमेंट बैक इन 2018. सो लोग यू नो, और इसमें बहुत, आप इसको अगर पढ़ेंगे ना तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी. ठीक है जी. अच्छा, फिर उसके बाद उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनअप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज जो अनअप्रूव्ड बनी हुई है वो भी दी है, पर इलीगल के अंदर भी दी हुई है. अब इलीगल में आप जाएं तो आप उधर देखेंगे कि जनाब तीन मरला और वो ज़्यादा है, क्योंकि ये सारी गरीब लोगों के पास आपको वो पैसे अफोर्ड नहीं करते. तो ये बेसिकली इलीगल सोसाइटीज़ वो हैं जिनको आप कह देते हैं स्लम्स कह लें, जिस तरह के स्लम्स की सोसाइटी अनअप्रूव्ड इलीगल बनी हुई है, वो वाली ये वाला वो कैटर फॉर कर रहे हैं, क्योंकि वो इलीगल एक्टिविटी के अंदर हो रहे हैं. ख़रीदी नहीं जाती हैं, कब्जे हो जाते हैं, लैंड का इशू है, प्रॉब्लम है लोगों ने, लेकिन प्लॉट काट के घर बना लिए गैर कानूनी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डाटा.